चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं, जितने भी कैंडिडेट ने दोस्तों एसएससी सीपीओ का दोस्तों फॉर्म को फिल किया हुआ था, आप अपना जो रीजन है उसका एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे और इसकी एग्ज़ाम डेट भी दोस्तों क्या है। बहुत सारी कैंडिडेट को ये भी पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब से होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बता देते हैं कि कौन कौन से रीजन का अभी तक एप्लीकेशन स्टेटस रिलीज हो चुकी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप जैसे ही एडमिट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जी हाँ दोस्तों, जैसे ही चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर आपको ऑल रीजन का यूआरएल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करें, ना ही ईस्टर्न रीजन का अभी तक आया हुआ है और दोस्तों इधर कोई भी रीजन का नहीं आया हुआ है, केवल दोस्तों कर्नाटका और सातारा रीजन का ही एप्लीकेशन स्टेटस रिलीज हुआ है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं इस पर क्लिक करके। दोस्तों हम सातारा रीजन पर चलिए क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बगल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा नो योर एप्लीकेशन स्टेटस। चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही दोस्तों हमने इस पर क्लिक किया, देख सकते हैं सबसे पहले ही आपको दिखाई पड़ रहा होगा एसआई इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2023 नो योर स्टेटस। दोस्तों ये जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी, उसका डेट ऑफ बर्थ, और दोस्तों अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर पाएंगे। और चलिए दोस्तों बैक होकर के भी दूसरा हम रीजन का दिखा देते हैं, जो कि दोस्तों कर्नाटका केरला रीजन का है। इसका भी दोस्तों ऑलरेडी आ चुकी है, जो कि दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा क्लिक हियर टू नो योर स्टेटस विथ रिस्पेक्ट टू एसआई इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन, जो कि दोस्तों एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा 3/10 से लेकर दोस्तों 5/10 तक इसकी एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि दोस्तों सारा कुछ इसमें एग्जाम डेट भी मैंशन कर दिया गया है। अगर आपको पता नहीं था, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपकी एग्जामिनेशन कब से कब तक होने वाली है, 3/10 से लेकर दोस्तों 5/10 तक आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। और दोस्तों बात करें, जितने भी रीजन बच गए हैं, जितने भी रीजन बच गए हैं बहुत जल्द ही दोस्तों इसका भी एप्लीकेशन स्टेटस रिलीज कर दिया जाएगा इसकी ऑफिशियल साइट पर। और दोस्तों बात करें, जो एडमिट कार्ड आपका जो रिलीज होना लगभग स्टार्ट हो जाएगा, सो दोस्तों एग्जाम से 4 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन एप्लीकेशन स्टेटस हर एक रीजन का दोस्तों लगभग 25 या फिर दोस्तों 26 के पहले ही सारा अपडेट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन स्टेटस आप अपना चेक कर पाएंगे कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर और एग्जाम डेट किस डेट को है। बस दोस्तों यही बताना था। अगर बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि मेरा अभी तक एप्लीकेशन स्टेटस नहीं आया, तो आप वेट कीजिए, 25 दोस्तों सितंबर से पहले ही आपका एप्लीकेशन स्टेटस रिलीज कर दिया जाएगा इसकी ऑफिशियल साइट पर।